हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन गुड़िया अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए ये सुंदर सा डिज़ाइन लाई हूँ। ये डिज़ाइन आप लेडी स्वेटर, जैकेट, बेबी फ्रॉक, गर्ल्स टॉप आदि में डाल सकते हैं। ये बुनने में बहुत ही आसान है, तो आइए देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है। 12 रोज रिपीट पैटर्न है। हमें इसमें 5 के मल्टीपल्स में फंदे डालने हैं, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा एजेस के लिए। मल्टीपल्स ऑफ 5 प्लस 2 स्टिचेस एक्स्ट्रा फॉर एजेस। आइए देखते हैं ये डिज़ाइन कैसे बनाते हैं। फर्स्ट रो राइट साइड हम पूरी सीधी बुन लेंगे। फर्स्ट रो राइट साइड पूरी सीधी बुननी है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड पूरी सीधी बुननी है। सेकेंड रो रॉन्ग साइड भी हम पूरी सीधी बुन लेंगे। थर्ड रो राइट साइड पूरी सीधी बुनेंगे। थर्ड रो राइट साइड पूरी सीधी बुन लेंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड पहला फंदा एज का स्लिप किया और ये सिलाई भी हम पूरी सीधी बुन लेंगे। फोर्थ रो रॉन्ग साइड भी हम पूरी सीधी बुन लेंगे। फिफ्थ रो पहला फंदा एच का स्लिप किया। अब 5 फंदे सीधे बुनने हैं। 5 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब अगले 5 फंदों में डिजाइन डलेगा। कैसे डालना है देखते हैं। धागा सिलाई पर एक बार लपेटेंगे। धागा सिलाई पर एक बार लपेटा, एक फंदा सीधा बुन लिया। एक फंदे का डिज़ाइन बन गया। अब धागा सिलाई पर 2 बार लपेटेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुन लिया। ये 2 फंदों का डिज़ाइन हो गया। अब तीसरे फंदे में 3 बार धागा लपेटेंगे। 1, 2, 3 3 बार धागा लपेटा और एक फंदा सीधा बुन लिया। ये 3 फंदे हुए। अब क्या करना है, चौथे फंदे में हमें 2 बार धागा लपेटना है। 1, 2 ये चौथा फंदा हो गया। और 5वें फंदे में हमें 1 बार धागा लपेटना है। और ये 5 फंदे हमने ऐसे धागा लपेट कर बना लिए। आप 5 फंदे सीधे बुन लेंगे।
एक दो तीन चार पाँच। अब फिर से धागा लपेटना है अगले पांच फंदों में। पहले फंदे के लिए एक बार धागा लपेटेंगे, धागा लपेटा एक बार, एक फंदा सीधा बुना, एक फंदा हो गया। अब दो बार धागा लपेटेंगे, दूसरा फंदा सीधा बुन लिया। अब तीन बार धागा लपेटेंगे, एक दो तीन, तीसरा फंदा बुन लिया। अब दो बार धागा लपेटेंगे, चौथा फंदा बुन लिया। और अब एक बार धागा लपेटेंगे, पांचवा फंदा बुन लिया। लास्ट का एच का फंदा सीधा बुन लिया। सिक्स्थ रो रोंग साइड, पहला फंदा एच का स्लिप किया। अब हमें ये सिलाई पूरी सीधी बुननी है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं, देखिए कैसे करना है। एक फंदा सीधा बुना, अब जो धागा लपेटा था हमने उसे खोलते चले जाना है, उसको हम खोलते चले जाएंगे और सीधा बुनते चले जाएंगे। ये देखिए जो लपेटा हुआ धागा था उसको खोलते चले जाएंगे और फंदे को सीधा बुनते चले जाएंगे। ये देखिए ऐसे करके धागा खोलते जाना है, लपेटा हुआ धागा सिलाई से उतारते जाना है और सीधे बुनते चले जाना है। ये देखिए ये लपेटा था धागा, इसको हम उतार लेंगे सिलाई से और सीधा बुन लेंगे। ऐसे करके हमें धागा लपेटा हुआ धागा ऐसे सिलाई से उतार के खोल लेना है। सेवेंथ रो राइट साइड पूरी सीधी बुननी है, सेवेंथ रो राइट साइड पूरी सीधी बुन लेंगे। एट्थ रो रॉन्ग साइड पूरी सीधी बुनेंगे, एट्थ रो रॉन्ग साइड भी हम पूरी सीधी बुन लेंगे। राइट साइड पूरी सीधी बुननी है, नाइन्थ रो राइट साइड पूरी सीधी बुन लेंगे। टेंथ रो रॉन्ग साइड ये सिलाई भी हम पूरी सीधी बुन लेंगे। टेंथ रो राइट साइड भी हमने पूरी सीधी बुननी है। Thank you.
11th रो में देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे जो ये डिज़ाइन डाला था वो डिज़ाइन स्टार्टिंग के 5 फंदों पर आएगा। ये वाला डिज़ाइन इधर आ जाएगा, देखिए कैसे करना है। पहला फंदा एच का स्लिप किया, अब 5 फंदों का ये डिज़ाइन डलेगा। धागा सिलाई पर एक बार लपेटा, सीधा बुन लिया, फिर धागा सिलाई पर 2 बार लपेटा, सीधा बुन लिया, धागा सिलाई पर 3 बार लपेटा, फिर एक फंदा सीधा बुन लिया। अब धागा सिलाई पर 2 बार लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुन लिया, एक धागा सिलाई पर एक बार लपेटेंगे, एक फंदा सीधा बुन लिया। इस तरीके से हम 5 फंदे बुन लेंगे। अब 5 फंदे सीधे आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब फिर से वही डिज़ाइन डालना है, 5 फंदों का ये डिज़ाइन डलेगा। धागा सिलाई पर एक बार लपेटेंगे, एक सीधा बुना, एक धागा सिलाई पर 2 बार लपेटेंगे, सीधा बुना, 2 फंदे हो गए। धागा सिलाई पर 3 बार लपेटेंगे, तीसरा फंदा हो गया। धागा सिलाई पर 2 बार लपेटेंगे, ये चौथा फंदा हो गया। धागा सिलाई पर 1 बार लपेटेंगे, ये पांचवा फंदा हो गया। अब 5 फंदे सीधे बुन लेंगे, 2, 3, 4, 5, और एच का फंदा भी सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड, 12th रो रॉन्ग साइड, पूरी सीधी बुननी है, लेकिन कैसे करना है उसमें, 1, 2, 3, 4, 5, ये देखिए। अब ये जो धागा लपेटा था उसको हम सिलाई से उतारते चले जाएंगे और फंदे को सीधा बुन लेंगे। ये लपेटा हुआ धागा ऐसे इस तरीके से सिलाई से उतार देंगे और इस तरीके से सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, इसको हम सीधा बुन लेंगे। ऐसे ही हम ये अपनी पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से ये डिजाइन बन जाएगा। फ्रेंड्स, इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें ऐसे ही 1st to 12th रो तक रिपीट करते चले जाना है, तो हमारा इस तरीके का पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरीके का ये पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये डिज़ाइन बुनने के बाद इस तरह से दिखेगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।